गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्जवल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे। उसमें हिंदू लॉ में हम अभी तक हिंदू कौन है, हिंदू विधि किन व्यक्तियों पर लागू होती है, ये हम पहले कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ या हिंदू विधि के स्रोत। अगर हम देखें तो हिंदू विधि का उद्गम जो है वह वैदिक समय से माना जाता है। विधि शास्त्र में हिंदू विधि को ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दिए गए उपदेश और आदेश के रूप में माना जाता है। हिंदू विधि के सोर्सेस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है एंशंट सोर्स, प्राचीन स्रोत, और दूसरा है आधुनिक स्रोत या मॉडर्न सोर्सेस। प्राचीन जो सोर्सेस है इनको वापस चार भागों में बांटा गया है, जो हम आज देखेंगे डिटेल में। उसमें जो सबसे पहला स्रोत है वो है श्रुति, सेकंड है स्मृति, थर्ड है टीका एंड भाष्य, डिजर्ट्स एंड कॉमेंट्रीज, एंड कस्टम या रूढ़ी। सबसे फर्स्ट जो प्राचीन स्रोत है वह है श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो सुना गया। ऐसा विश्वास है कि प्राचीन समय में ऋषि अपने तप व ज्ञान के आधार पर इतनी महानता पर पहुंच चुके होते थे कि वह जब चाहे ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते थे या उनसे सीधी बातचीत कर सकते थे, और जो भी समस्या होती थी जिसके समाधान के लिए आवश्यकता होती थी वह ईश्वर से संबंध स्थापित करके उस समस्या के समाधान के बारे में, या मनुष्य को किस प्रकार का कार्य करना है, किन कर्तव्यों का पालन करना है, किस प्रकार के अपने जीवन का यापन करना है, इसके बारे में ईश्वर से सुना। और जो कुछ भी ईश्वर ने मानव समाज को कार्य करने के लिए उपदेश दिए, उन्होंने उन उपदेशों को वेदों में, वेदांगनाओं में, उपनिषदों में व पुराण के रूप में संकलित किया, और ये हिंदू विधि के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। वेद जो है वो चार प्रकार के माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद जो है इसमें व्यवहार विधि के बारे में कई प्रकार के प्रोविजंस बताए गए हैं, इसीलिए ऋग्वेद को हमारी हिंदू विधि का मुख्य स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके बाद वेदांगनाएँ जो है छह प्रकार की होती है, कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और निरुक्त। इसी प्रकार 18 पुराण होते हैं, 16 उपनिषद होते हैं, ये सारे श्रुति के अंतर्गत माने जाते हैं। दूसरा जो है वह है स्मृति। स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो कुछ भी याद रहा। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है जो कुछ भी याद रहा। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने जो भी मनुष्य या ऋषियों को उपदेश दिया वह ऋषियों ने अपने शिष्यों व पुत्रों को दिया। चूँकि प्राचीन काल में लेखन का प्रचलन नहीं था या न के बराबर था, तो ऐसी स्थिति में याददाश्त के आधार पर ईश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषि अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को प्रदान करते थे, और इसी प्रकार धीरे धीरे वह स्मृतियों के रूप लेने लगे। स्मृतियाँ जो है दो प्रकार की मानी जाती है, फर्स्ट है प्राचीन स्मृति और सेकेंड है आधुनिक स्मृति। प्राचीन स्मृति को धर्मसूत्र भी कहा जाता है। धर्मसूत्र जो है वो छह प्रकार के होते हैं, आपस्तंभा, गौतम, बौद्धायन, हरित, विशिष्ट और विष्णु। ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण धर्मसूत्र माने जाते हैं। इसमें परिवार से संबंधित कई विषयों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आधुनिक जो स्मृतियाँ हैं यह गद्य व पद्य दोनों रूप में लिखी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्मृति है वह मनुस्मृति मानी जाती है। इसके 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। इसमें से 8 जो अध्याय हैं वो हिंदू विधि के 18 विषयों में विभाजित किए गए हैं। सेकंड जो स्मृति है वह याज्ञवल्लभ स्मृति मानी जाती है। याज्ञवल्लभ जो ऋषि थे वह उत्तरी बिहार के रहने वाले थे और विश्वामित्र के पुत्र थे। उस समय हमारे भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और यह स्मृति जो है इसके जो नियम है यह मनुस्मृति से उधार माने जाते हैं। यह स्मृति जो है सारगर्भित एवं युक्तियुक्त ग्रंथ माना जाता है,
और सबसे आधुनिक जो स्मृति मानी जाती है वह नारद स्मृति मानी जाती है। नारद जो थे नेपाल के रहने वाले थे, हिंदू विधि के स्रोत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्मृति जो है 18 विषयों में इसको बांटा गया है। इसमें उत्तराधिकार, संपत्ति, स्वामित्व, दान, भागीदारी, वैधता की आयु, विधवा व अविवाहित बहन का संपत्ति में किस प्रकार से हिस्सा होगा, इसका डिटेल में प्रोविजंस बताए गए हैं। फिर है भाष्य व निबंध, डिजिट्स एंड कॉमेंट्रीज। हिंदू विधि के विकास में भाष्य, निबंध, टीकाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भाष्य व टीकाओं की रचना जो है 700 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। 1200 ईस्वी तक टीकाओं की रचना की गई और 1200 ईस्वी के पश्चात जो है भाष्य की रचना की गई है। मनुस्मृति पर कौन कौन सी टीकाएँ व भाष्य लिखे गए हैं, उसमें से महत्वपूर्ण जो टीका व भाष्य है मेधा तिथि के द्वारा लिखा मनुभाष्य, गोविंद राज के द्वारा लिखा मनु टीका, कुलुक भट्ट के द्वारा लिखित मनवृत्त मुक्तावली। इसी प्रकार याज्ञ स्मृति पर भी दो टीकाएँ लिखी गई है, विश्वरूप की बाल कीड़ा और अपारका की अपार द्वितीय। हिंदू विधि में इसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। दूसरा है विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा, ये 11वीं सदी में लिखी गई थी। हिंदू विधि का यह मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसके आगे का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, उसमें मिताक्षरा को डिटेल में हम देखेंगे। फिर है नारद स्मृति। नारद स्मृति पर जो टीका और भाष्य लिखे गए हैं उसमें असाय का नारद भाष्य, इसके अलावा जिमुद्वान का दाय भाग, नंद पंडित द्वारा दत्तक मीमांसा और कुबेर द्वारा दत्तक चंद्रिका। इसमें दत्तक मीमांसा व दत्तक चंद्रिका में पुत्र न होने पर कौन किन परिस्थितियों में किसको दत्तक ले सकता है, इसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है रूढ़ी व प्रथाएँ। रूढ़ियाँ वह नियम है जो किसी विशेष परिवार प्रदेश में लंबे समय से पालन की जा रही है, जिसने विधि को शक्ति प्राप्त की है। प्रथाओं का स्पष्ट सबूतों को लिखित विधि की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। वैध विधि की आवश्यक शर्तें होती है, अगर वह आवश्यक शर्तें हैं तभी कस्टम जो है वह विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त करेगा। अगर उस प्रकार की कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं करता है तो वह विधि का रूप प्राप्त नहीं करेगा। इसमें कस्टम के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्राचीन होना चाहिए, कस्टम मस्ट बी एंशियंट, रूढ़ी का पालन निरंतर होना चाहिए, फॉलोड कंटिन्यूसली, रूढ़ी निश्चित होनी चाहिए, कस्टम शुड बी सर्टेन। फिर है रूढ़ी युक्तियुक्त होनी चाहिए, कस्टम रीजनेबल होना चाहिए, रूढ़ी में नैतिकता होनी चाहिए, कस्टम जो है नॉट अगेंस्ट मॉरलिटी नहीं होना चाहिए, नीति लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, पब्लिक जो पॉलिसीज़ है या पब्लिक की जो रूलिंग्स है उसके अगेंस्ट ये नहीं होनी चाहिए, और कोई भी कस्टम जो है विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कस्टम विधि के विरुद्ध माना जाता है तो उसे वैध नहीं माना जा सकता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रोविज़न हैं जिसमें कस्टम को अधिनियमित विधि से ज़्यादा महत्व दिया गया है, और आधुनिक हिंदू विधि के स्रोत कौन कौन से हैं ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।